हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वैसे यहां पर ये है मेरे पास में ओप्पो A58 4G स्मार्टफोन। आपको मैं इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में इसकी जितनी भी सेटिंग्स हैं, कैमरा के सेटिंग्स, वो सारे कैमरा के सेटिंग्स आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जितने भी फीचर्स हैं वो भी बताऊंगा और कौन सा फीचर क्या काम करता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। टोटल ये कैमरा गाइड वीडियो होने वाला है, कमाल का वीडियो होने वाला है। आप बेहतरीन फोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, कैमरा ऐप को ओपन करते हैं। एक एक फीचर आपको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कैमरा ऐप ओपन करते ही सबसे पहले आपको यहां पर मिलता है नाइट मोड। यहां से आप जूम करके ले सकते हैं, मैक्सिमम 5x तक जूम करके नाइट मोड में फोटोज ले सकते हैं। मतलब रात में फोटोज क्लिक करना है तो आना होगा आपको इस नाइट मोड में, और टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा और टैप करके लाइटिंग को कम कर सकते हैं। अगर आप ऐसी जगह पर हैं वहां पर लाइटिंग बहुत कम है तो आप क्या करेंगे, टैप करके ज़्यादा करेंगे, और ज़्यादा है तो टैप करके कम करेंगे। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इस पर क्लिक करके टाइमर भी सेट कर सकते हैं, 3 सेकंड्स और 10 सेकंड्स का। आप यहाँ पर 3 सेकंड्स करेंगे, 3S करके फ़ोटो क्लिक करेंगे तो इस तरह से 3 सेकंड्स का टाइम आएगा। 3 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक फ़ोटो क्लिक हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर इसको ऑफ़ भी करना चाहे ऑफ़ कर सकते हैं, या तो 10 सेकंड्स भी कर सकते हैं। आप ग्रुप के साथ फ़ोटो ले रहे हैं या आप अकेले हैं, फ़ोटो लेने वाला है कोई भी नहीं है, तो उस वक्त आप टाइमर को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद आप इस पर क्लिक करके जो फोटो आप क्लिक कर रहे हैं वो किस साइज़ में आपका फ़ोटो क्लिक हो, अभी फ़िलहाल तो इस साइज़ में होगा। आप फुल करना चाहे फुल कर सकते हैं, फुल साइज़ में फ़ोटो क्लिक होगा, और 1:1, 4:3 और 16:9 अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप फ़ोटो का साइज़ को आप रीसाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर फिल्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फ़िल्टर्स मिलते हैं, जो फ़िल्टर आपको अच्छा लगे वो फ़िल्टर लगा कर आप नाइट मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपको मिलता है वीडियो मोड। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है तो आना होगा इस वीडियो मोड में। यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में 5x तक जूम कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, मतलब रीटचिंग, मतलब आपका फेस खूबसूरत दिखेगा, ब्यूटी दिखेगा। कितना ब्यूटी दिखे उतना ज़्यादा कर सकते हैं, कितना कम दिखे उतना कम कर सकते हैं। मतलब आप इस तरह से कैमरा पकड़ कर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना, कितना ब्यूटी दिखना चाहिए कितना नहीं दिखना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा और कम इसमें भी कर सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप फिल्टर्स भी लगा सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त में। ये भी अच्छी बात है दोस्तों खुद में। ये हो गया। उसके बाद आप इस पर क्लिक करके फिल लाइट करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है पीछे जो है वो, और उसके बाद इसको ऑफ भी कर सकते हैं। ये होगा दोस्तों वीडियो मोड। और आप चलिए यहाँ पर और देखते हैं क्या कोई फीचर है क्या यहाँ पर, नहीं तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट फोटो मोड में। आपको फ़ोटो लेना है तो आना होगा इस फोटो मोड में। आप इसमें जूम करना चाहे तो आप इसमें भी 5x तक जूम करके फ़ोटोज ले सकते हैं। ये नॉर्मल मोड है, आप इसमें एनी टाइम फ़ोटोज़ ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसके टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हैं इसमें भी। ये हो गया दोस्तों। इसके बाद इसके ऊपर क्लिक करके रीटचिंग, मतलब आप फ़ोटो क्लिक करते वक्त भी अपने फेस को ब्यूटी कर सकते हैं, खूबसूरत कर सकते हैं। ये अच्छी बात है खुद में, ज़्यादा और कम कर लीजिए। और इसके बाद आपके यहाँ पर गूगल लेंस भी मिलता है, मतलब कोई भी QR कोड होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर है ना QR कोड होता है, यहाँ से उसको स्कैन करेंगे तो वो प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी देगा, वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट में रिडायरेक्ट करेगा। या तो आप ये कोई भी प्रोडक्ट है उसका नाम आपको पता नहीं है तो आप यहाँ से उसको स्कैन करेंगे तो उसी तरह के और भी उसी के रिलेटेड वो और भी प्रोडक्ट आपको वो रिकमेंड करेगा, वो ला कर देगा और साथ में उसका नाम भी आपको बताएगा दोस्तों। ये गूगल लेंस कमाल का है, यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें भी फ़िल्टर्स यूज़ कर सकते हैं फ़ोटो मोड में। फ़ोटो मोड में कुछ ज़्यादा फ़िल्टर्स आपको मिलते हैं, आप फ़ोटो क्लिक करते वक्त में यूज़ कर सकते हैं। HDR को ऑन कर लेना बेहतरीन शॉट्स के लिए। यहाँ पर फ्लैश लाइट का फीचर को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर फिल लाइट करेंगे तो फ़ोटो क्लिक करने से पहले ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है, और आप यहाँ पर इसको ऑटो पर सेट करेंगे तो रात में फ़ोटोज़ क्लिक करते वक्त में इतना ही ये फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद आप इसको ऑन करेंगे तो जब भी आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, फ़ोटो क्लिक करते वक्त में फ्लैश लाइट ऑन हो जाती है। इसके बाद इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो चलिए, आप यहाँ पर नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आप फ़ोटो का साइज़ को रीसाइज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। ये हो गया। इसके बाद टाइमर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है पीछे
ऑन कर सकते हैं इसको। इसको ऑन करेंगे तो 50 मेगापिक्सल के लेंस से फोटो क्लिक होंगे, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ से आप बैकग्राउंड को ब्लर करके फोटोज ले सकते हैं और आप इसमें कोई जूम नहीं कर सकते, टैप करके लाइटिंग को ज़्यादा और कम कर सकते हैं इसमें भी। इसके बाद आप इस पर क्लिक करके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है उसकी कैपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपर्चर को ज़्यादा करेंगे यहाँ पर, मतलब बोके को ज़्यादा करेंगे तो वहाँ पर वो बैकग्राउंड ब्लर ज़्यादा होता है, कम करेंगे तो कम होता है। अपनी मर्जी के हिसाब से कैपेसिटी को कम कर लेना, ज़्यादा कर लेना बैकग्राउंड के। तो चलिए ये हो गया। इसके ऊपर क्लिक करके फिल्टर्स, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो फिल्टर आपको अच्छा लगे वो फिल्टर लगा कर आप फोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर टाइमर इसमें भी यूज़ कर सकते हैं आप, इस पोर्ट्रेट मोड में भी। ये हो गया। तो चलिए और देखते हैं, वापस से मोड में आते हैं। भी मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है प्रो। इस प्रो मोड में आप आकर DSLR कैमरा के कुछ सेटिंग्स करके फोटोज़ ले सकते हैं। यहाँ पर ISO है, शटर स्पीड है, वाइट बैलेंस है, ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस है, EV है, मतलब आप लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। EV को ज़्यादा चाहे तो ज़्यादा, कम चाहे तो कम, ये होगा। इसके बाद ऑटो फोकस, मैनुअल फोकस को अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं, ये देख लीजिए। और उसके बाद वाइट बैलेंस को कर सकते हैं एडजस्ट अपनी मर्जी के हिसाब से, शटर स्पीड है और ये भी कर सकते हैं। ISO भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पर आप जूम करना चाहे तो आप इसमें भी 5x तक जूम करके फोटोज़ ले सकते हैं। फ्लैश हाइड के फीचर को यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर टाइमर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं इस प्रो मोड में। तो चलिए दोस्तों आते हैं नेक्स्ट और मोड में। मोड में आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है पियानो। इसका पूरा नाम है पैनोरमा। ये क्या है, मान लो बहुत ही बड़ा प्लेस है, अब पूरे प्लेस को एक ही फोटो में लेना चाहते हैं तो क्या करना है, आना है पैनो में, शूटर बटन पर क्लिक करके धीरे धीरे पूरे प्लेस को बता देना है तो पूरा प्लेस एक ही फोटो में आ जाता है। तो चलिए दोस्तों वापस से जब हम आएंगे मोड में, और कुछ खास नहीं है, यहाँ पर आते हैं अभी फोटो मोड में और सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आते हैं सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको मिलता है दोस्तों, थोड़ा ब्राइटनेस को कम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, वॉल्यूम बटन एक्शन, मतलब आप यहाँ पर वॉल्यूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड ज़्यादा कम होगा। और उसके बाद आप यहाँ पर शूटर पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो फोटो क्लिक होगा। और आप यहाँ पर जूम पर सेट करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो जूम होगा दोस्तों। तो चलिए उसके बाद फिंगरप्रिंट शूटिंग नेक्स्ट, आपको इसको ऑन कर लेना। यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करके फोटोज ले सकते हैं, देख लीजिए, ऐसे आप लेना चाहिए ले लीजिए अपनी मर्जी। उसके बाद सेटिंग में आएंगे, फोटो क्लिक करते वक्त में साउंड आना चाहिए या नहीं, नहीं आना चाहिए तो शूटर साउंड को ऑफ कर सकते हैं, आना चाहिए तो ऑन कर सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर आएंगे नीचे एडवांसड सेटिंग्स में, आपको आना है फ्लिप सेल्फी, ये ऑफ कर लेना है। ये क्या है आपको मैं बताऊंगा, आप इस एंगल से सेल्फी लेंगे इस एंगल से तो वो फ्लिप होकर इस एंगल से आपने सेल्फी लिया है ऐसे बताएगा, मतलब फ्लिप होता है वो नहीं होना चाहिए, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ। अगर आप होना चाहिए फ्लिप तो उसको ऑन कर सकते हैं। ये हो गया दोस्तों। तो चलिए उसके बाद में आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब लॉक करके रखें स्मार्टफोन को तो जो साउंड कम करने वाला बटन है वॉल्यूम माइनस बटन, उसके ऊपर यहाँ पर हम दो बार क्लिक करेंगे वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर तो एक कैमरा ऐप ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो चलिए दोस्तों और अगले फीचर की बात करने के लिए क्या करते हैं, आते हैं कैमरा ऐप ओपन करके सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे शूटिंग मेथड्स में आपको आना है। यहाँ पर है टैप टू कैप्चर, आप इसको ऑन करेंगे तो कैमरा ऐप ओपन करके स्क्रीन पर कहीं भी टच करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है। उसके बाद शो पैलन को ऑन करेंगे तो सेल्फी कैमरा ओपन करके इस तरह से हाथ करेंगे तो फोटो क्लिक हो जाता है, टैप करेंगे तो ये फोटो क्लिक हो जाता है। सैंपल ये देख लीजिए, ये देख लीजिए सेल्फी कैमरा ओपन करके बस हाथ करना क्लिक हो जाता है। तो चलिए आते हैं नीचे और वाटरमार्क मिलता है आपको। यहाँ पर डिवाइस मॉडल, मतलब वाटरमार्क, मतलब जो भी फोटो आप इसमें लेंगे वो इस डिवाइस का मॉडल बताना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए उस फोटो के ऊपर। एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है चलिए यहाँ पर फोटो लेता हूँ। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पर देख लीजिए, डिवाइस मॉडल को हमने ऑन किया है, यहाँ पर ये देख लीजिए डिवाइस मॉडल बता रहा है ओप्पो A58 बोलकर। ऐसे नहीं बताना चाहिए तो उसको ऑफ कर सकते हैं, बताना चाहिए तो आप वाटरमार्क में आकर डिवाइस मॉडल को ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करके अपना नाम कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर जो भी लिख कर डालेंगे वो नाम आपका बताएगा फोटो के ऊपर। उसके बाद डेट एंड टाइम को भी ऑन कर लेना, किस डेट पर किस टाइम पर आपने फोटो क्लिक किया है वो फोटो के ऊपर बताएगा। एग्जाम्पल वो भी आपको बताऊँगा, नाम भी बताएगा मेरा और डेट एंड टाइम भी बताएगा। ये देख लीजिए फोटो हुआ, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर मेरा नाम भी बता रहा है और डेट एंड टाइम भी बता रहा है।
तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं वाटरमार्क को। तो चलिए दोस्तों, और अगले फीचर के लिए क्या करते हैं, सेटिंग के आइकन पर क्लिक करके आते हैं सेटिंग्स में। नीचे आने के बाद वीडियो रेजोल्यूशन भी आप यहाँ पर रख सकते हैं मैक्सिमम 1080p में, मतलब 1080p में इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों इसी ओप्पो A58 4G स्मार्टफोन की कुछ कैमरा की सेटिंग्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना, और आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, फेल कर दिया सेटिंग्स, तो आपको क्या करना है, रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक करके एक और बार रिस्टोर डिफॉल्ट्स पर क्लिक कर देना है। तो जैसे नया स्मार्टफोन लेने के बाद में जैसे सेटिंग्स थी कैमरा की, उसी तरह सारे सेटिंग्स हो जाएंगे। एक और बार ये वीडियो देखकर एक और बार ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और इसी स्मार्टफोन से रिलेटेड और वीडियोज देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और बहुत सारे आपको वीडियोज मिलेंगे, और बहुत कुछ जान सकते हैं उन वीडियोज को देखकर आप इसी स्मार्टफोन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।